आज आप 90% नंबर चाहते हैं इंग्लिश में, आज आप 10% छोड़ रहे हैं, बट बेटा आपको छोड़ने की आदत लग गई, आप 90 सोच के चलोगे ना पुत्र 80% आएंगे, 70% आएंगे, क्योंकि छोड़ने की आदत पड़ गई। बट जिस स्टूडेंट ने 100% मार्क्स बोला ना, वो एक चीज भी नहीं छोड़ेगा, वो हर वोकैब के वर्ड को ध्यान से याद करेगा, क्या पता यही ना आ जाए और मेरा नंबर खराब हो जाए। वो कोई अगर मुश्किल टॉपिक होगा ना पुत्र, तो वो बार बार उस मुश्किल टॉपिक को रिवाइज करेगा, पता ये नहीं सोचेगा कि यार छोड़ो क्या पता मेरे को 100% होना चाहिए, ये टॉपिक छोड़ देता हूं, 12th क्लास में नहीं किया था आपने, ये टॉपिक छोड़ देता हूं, 4 नंबर का टॉपिक है, 4 नंबर का ये टॉपिक है तो कोई बात नहीं, मुझे कौन सा 100% चाहिए। तो आपकी यही आदत आपको फिर क्या बना देती है, छोड़ने की आदत डाल देती है। इसीलिए आज एक मेरे से वादा करो कि सर आज के बाद जो आप कहोगे हर चीज हम करेंगे और ये छोड़ने की हैबिट त्याग देंगे। बच्चे इतने सारे स्टूडेंट्स ने मेरे 100% स्कोर किया है तो आप क्यों नहीं, ठीक है आप क्यों नहीं। इसीलिए हमेशा आज सिर्फ ये इसमें नहीं अपनी लाइफ में बना लेना, आज के बाद हम हर जगह अपनी 100% एफर्ट्स डालेंगे। अगर आप 90% मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो आप अपने एफर्ट्स भी 90% मार्क्स के डालेंगे, अगर आप 100% मार्क्स अपना टारगेट रखोगे तो आपके एफर्ट्स भी 100% मार्क्स के लिए रहेंगे। तो क्या करना है, 100% मार्क्स हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब अगर 100% मार्क्स चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द 100% मार्क्स जो आपका सिलेबस है वो कम होगा या ज्यादा होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। सो डियर आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, आपको बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि आपको 100% मार्क्स चाहिए।